जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल द्वारा लगातार निकाला जा रहा है फ्लैग मार्च। एसपी नरेंद्र बिजारनिया वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में गठित 8 टीमों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में जाकर की जा रही है छापेमारी। अमन चैन व शांति बनाए रखे नागरिक, सोशल मीडिया पर ना फैलाएं अफवाह, नहीं तो होगी सख्त कानूनी कार्रवाई, पुलिस अधीक्षक नुहू। नुहू जिले के एसपी नरेंद्र सिंह बिजारनिया ने बताया कि नुहू में ब्रज मंडल धार्मिक यात्रा में हुई हिंसा को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी भी निर्दोष व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है और आम लोग भी दोषियों की गिरफ्तारी में पुलिस का सहयोग करें, उपद्रवियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे बताया कि जिले में वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में 8 टीमों का गठन किया गया है जो जगह जगह छापेमारी कर आरोपियों की पहचान कर रही है। इसके अलावा जिले में 3 डीएसपी सतर के अधिकारियों की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई है जो गहनता से मामले की जाँच कर रही है। जिले में अब तक इस मामले में 57 एफआईआर व 170 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा इस घटनाक्रम में पुलिस के जवानों सहित 88 लोग घायल हुए हैं, जबकि 6-4 नुहू व 2 गुरुग्राम में लोगों की मृत्यु की पुष्टि की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में आमजन की सुविधा के लिए आज सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैंक एटीएम के समय, सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने के लिए कर्फ्यू के समय में ढील दी गई, जिससे लोग जरूरी सामान की खरीदारी कर सकें, तथा ये भी कहा कि जिले में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नुहू पुलिस के 1900 जवानों के अतिरिक्त पुलिस बल की 31 कंपनियां तैनात की गई हैं। जिले में पुलिस बल द्वारा लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और लोगों से अमन चैन बनाए रखने की अपील की जा रही है। आगे बताया कि दोनों पक्षों के बीच शांति व अमन का माहौल है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर कुछ लोग महिलाओं के गुमशुदा होने की भ्रामक पोस्ट डाल रहे हैं, जिसका नुहू पुलिस खंडन करती है तथा आरोप निराधार व तथ्यहीन है। सोशल मीडिया पर डाली जाने वाली पोस्ट पर साइबर सेल की टीम द्वारा निगरानी रखी जा रही है। इस मामले में अब तक 11 एफआईआर दर्ज की गई है। जिले में घटनाक्रम में संलिप्त आरोपी की पहचान के लिए जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि हर एंगल से मामले की जाँच की जा सके। जिले में एहतियात के तौर पर 8 अगस्त तक इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया और आगे की स्थिति का आकलन करते उपरांत इंटरनेट सेवा को बहाल किया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे अमन चैन बनाए रखें, जिले में स्थिति सामान्य है, लोग अफवाहों से बचें, किसी भी असामाजिक गतिविधियों में शामिल ना हो। हरियाणा पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। जिला नुहू में शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम है।